ये है बजाज पल्सर N160 डुअल चैनल ABS और इस वीडियो में मैं आपको इस बाइक का अंडर वाटर टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ कि ये जो बाइक है वो पानी अगर ज़्यादा भरा हुआ हो तो उसमें निकल के जाएगी या नहीं, पार कर पाएगी या नहीं। सामने में आप देख सकते हैं सामने वाली जो गाड़ी है वो फंस चुकी है और हम इस बाइक को पानी में से निकाल कर देखेंगे कि इसके साइलेंसर में पानी जाता है कि नहीं जाता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है अगर आप इस बाइक को पानी में से निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस बाइक का एग्जॉस्ट का जो साउंड है वो नोट करा देता हूँ। ये देखो आपको, ठीक है, इसका जो साइलेंसर है वो नीचे की तरफ है और इस बाइक को मैं पानी के अंदर से निकालूंगा, फिर देखते हैं कैसा रिजल्ट मिलता है। तो भाई मेरा GoPro जो है वो थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया है, तो चलिए चलते हैं। सामने में आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ है, ये देखो भाई साहब की गाड़ी फंस चुकी है। ये देखो बाइक डूब गई है आधी, तो ये मान ले बाइक आप देख सकते हैं आधी तो डूब चुकी है लेकिन आराम से निकल जाती है। ठीक है, दोबारा से मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखो सामने आप गाड़ी देख रहे हैं भाई, डूब चुकी है सामने वाली गाड़ी, ये देखो, ये देखो आप, ये सामने वाला, ये साइलेंसर देखो, साइलेंसर डूबा है और ये इंजन देखो कहाँ तक डूब रहा है, और आप इसकी डिस्क ब्रेक भी देख सकते हो कितनी डूबी हुई है। तो चलिए, देखा आराम से निकल गई बाइक, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं सामने में बारिश है, वाओ। अब मैं आपको इस बाइक का डुअल चैनल ABS का ब्रेकिंग टेस्ट दिखाने वाला हूँ। जैसा कि इसमें आपको ABS एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, फ्रंट में भी ABS, रियर में भी ABS, मतलब यार कंफर्ट के मामले में तो काफ़ी अच्छी बाइक है। ये देखो स्पीड अभी 86 है, कितनी जल्दी कवर हो गई, देखा। ABS का सबसे बड़ा फ़ायदा यही रहता है कि बाइक स्किड नहीं होती है और डर नहीं लगता। जैसा कि मैं डेली रूटीन में नॉर्मल बाइक चलाता हूँ, इसमें मेरे को बहुत डर लगता है कि बारिश में कहीं फिसल ना जाए, तो इस बाइक में मेरे को ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। तो अभी हम आ चुके हैं भाई इवेंट की तरफ,